श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्याय। अर्जुन उवाच जायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम् किं कर्मणि घोरे मानियो जयसि केशव। अर्जुन बोले हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामी श्रणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अर्थात श्री भगवान बोले हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्ठा अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। ज्ञान योग का तात्पर्य माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। कर्मयोग का अर्थ फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्व योग बुद्धि योग कर्मयोग तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म मत्कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणा मनारंभ नष्कर्म्य पुरुषोष्णते न च संन्यासना देव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निष्कर्मता अर्थात जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम सक्त स विशेषते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो ये कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसीदयेद कर्मणः। तो शास्त्र भी कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञात कर्मणो नियंत्रण लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए
हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य धोमेश वो तिष्ठष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावय ताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। इष्टान भगवान भी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता दर्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव स। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनाम संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते तुगम पापाये पंचात्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य धन संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मानितम यज्ञ प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यतिह यह अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्चेत् मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तोऽभ्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव हि संसिद्धि मासिता जनकादय लोक संग्रहमिवापि संप्रेष्यन् कर्तुमासि। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्थ देवतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्थ दनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है परंतु लोक शब्द समुदाय वाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया बताई गई है।
न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चनं नानवाप्तं वक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि विधेयम न वर्तयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उच्चि देयुर्मे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामोपहन्यामि महाप्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं शंकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सकता हां कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् दिनास्तथा सक्त चिरकिषु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जन यद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोश यत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को यह चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्वभितु महाबाहो गुण कर्म विभाग एव गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वान सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। कर्म विभाग अर्थात त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा पांच ज्ञानेंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया और शब्दादि पांच विषय, इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है तथा तत्व से आशय उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। प्रकृते गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सत विद्यो मंदान कृत्सत विन्न उचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन संपूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतम इदम नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा सदावंतो न सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सुयंतो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टान चेतसः। जो कोई मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार
नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो हस्य परिपंथिनो। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मास्तनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विद्येनमिह वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। दिमेना व्रियते वहिर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्थ था ते ने दवामृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नरेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्यधिष्ठान मुचते एतैर्विमोहयन्तेश ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्य होरिन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मना महात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अध्याय तीन में कर्म योग के संबंध में बताया गया है कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को
किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत में बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारा चैनल संतवाणी सत्संग सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आप प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा।